वेलकम टू न्यू लेसन। आज से हम वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। अभी हम बनाएंगे एक कंसल्टिंग बेस्ड वेबसाइट या सर्विस बेस्ड वेबसाइट, कंसल्टिंग कह लो या सर्विस बेस्ड कह लो, और देन हम बनाएंगे ई कॉमर्स, राइट। अब सेम प्रोसेस किसी भी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो नंबर वन चीज क्या है, हमें ये डिसाइड करना कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मान लो कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब सबसे ऊपर क्या होता है, हेडर, यहां पे आपका लोगो होता है और यहां पे होता है होम, अबाउट, इसे हम कहते हैं हेडर। और ये जो आप देख रहे हो होम, अबाउट, इसे हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो होम, अबाउट, इन सारी चीजों को हम कहते हैं नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, नेविगेशन मेन्यू। देन ये जो नीचे की चीज होती है जहां पे होता है कॉपीराइट, और यहां पे अगेन दो तीन बटन्स होते हैं, इसे हम कहते हैं फुटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडर और ये हो गया आपका फुटर, बहुत ही आसान। और इसके बीच में हमें सारी चीजें रखनी होती हैं। तो सपोज अब इसको हम क्या करेंगे, अब इस पेज को हम बांटेंगे अलग अलग सेक्शंस के अंदर। तो मान लो ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया दो सेक्शन और ये हो गया तीन सेक्शन। अब ये जो पहला सेक्शन है यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं सपोज मैंने क्या किया, तो यहां पे मैंने डाल दी एक इमेज, राइट, यहां पे मैंने डाल दी एक इमेज, यहां पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट और यहां पे डाल दिया मैंने बटन। अब ये सारा क्या हो गया, ये हो गया एक सेक्शन और देन ये हो गया दूसरा सेक्शन। सेम इसमें भी मैं क्या डाल सकता हूं, इसमें मैं इमेज डाल सकता हूं, इसमें मैं वीडियो डाल सकता हूं, इसमें मैं टेक्स्ट डाल सकता हूं, इसमें मैं बटन डाल सकता हूं, इसमें मैं फॉर्म डाल सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैं यहां भी डाल सकता हूं। और एक और सेक्शन हो गया, इसमें भी मैं ऐसे ही सारी चीजें डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा है वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है। अब ये थी हमारी वेबसाइट। अब हमें पहला काम क्या करना है, तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें इंस्टॉल करनी है एक थीम, ठीक है जी। क्या इंस्टॉल करनी है, एक थीम। अब देखो वर्डप्रेस की खूबी क्या है कि वर्डप्रेस में आपको लाखों थीम्स मिल जाएंगी, लाखों थीम्स। उसमें से कुछ थीम्स फ्री हैं और कुछ हैं पेड। देखो वर्डप्रेस की खूबी क्या है ना कि हर चीज मिल जाएगी। जैसे आप एंड्रॉइड देखो, एंड्रॉइड और विंडोज में क्या फर्क है, एंड्रॉइड में हर ऐप अवेलेबल है, हर ऐप के मल्टीपल वर्जन अवेलेबल हैं, जबकि विंडोज में ये बात नहीं है। तो वर्डप्रेस इज लाइक विंडोज, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके हजारों सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब आपको थीम चाहिए तो आपको हजारों लाखों थीम मिल जाएंगी, वो चाहे फ्री हो वो चाहे पेड हो। बट हम कौन सी थीम यूज करेंगे, हम करेंगे फ्री। अगर आपको पेड थीम यूज करनी है तो यू कैन गो फॉर इट, बट हम फ्री ही यूज करेंगे। और हम जो थीम यूज करेंगे वो बाय फार दी बेस्ट थीम है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ थीम्स ट्राई की हैं, फ्री भी ट्राई की हैं, मैंने बड़ी सारी पेड थीम्स भी ट्राई की हैं, बट ये थीम बाय फार सबसे बेस्ट थीम है। इनफैक्ट काफी सारी पेड थीम्स से भी बेटर ये थीम है। और इस थीम का नाम है ओशियन डब्ल्यू पी थीम, ठीक है जी। क्या नाम है, ओशियन डब्ल्यू पी थीम, ये इस थीम का नाम, ठीक है। तो ये थीम हमें सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। तो मैं अपने जाता हूं डैशबोर्ड के अंदर, यहां मैं डैशबोर्ड पे आ गया और यहां पे आप देख रहे हो अपियरेंस का ऑप्शन बना है, अपियरेंस, और अपियरेंस के अंदर बना है थीम, ठीक है, अपियरेंस, और अपियरेंस के अंदर थीम। तो मैं गया अपियरेंस में और देन मैं गया थीम्स में। अगेन लॉग इन कहां से करना है आपको, तो लॉग इन करने के लिए आपको अपना डोमेन का नाम लिखना है
और देन आपको लिखना है WP डैश एडमिन, राइट। आप देख रहे हो यहां पे मेरे ये SSL है, ये मेरा सिक्योर आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आप में ये नॉट सिक्योर आ रहा है, इसका मतलब आपने SSL नहीं लिया। जो मैंने होस्टिंग ली थी रीसेलर क्लब वाली, जिसका मैंने आपको लिंक भी दिया था, उसमें SSL फ्री था, राइट। तो मुझे SSL अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और जैसे ही मैंने वो डोमेन खरीदा, वो होस्टिंग ली, और ऑटोमेटिकली SSL अप्लाई हो गया, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो मेक श्योर कि आपके पास SSL हो, क्योंकि अगर ये नॉट सिक्योर आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको सिक्योर्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक होस्टिंग नहीं ली, तो मैं इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके अगेन आप होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, हमें कहां जाना है, अपियरेंस, देन हमें जाना है थीम के अंदर, और आपको करना है एड न्यू। क्या क्या है, मैं गया अपियरेंस में, देन मैं गया थीम में, और देन मैं करूंगा एड न्यू। और यहां पे मैं क्या सर्च करूंगा, ओशियन WP, ओशियन WP, ये आ गया ओशियन WP, पहली थीम है ओशियन WP। इसे मैं करूंगा यहां से इंस्टॉल, इंस्टॉल का ऑप्शन देख रहे हो आप, बटन देख रहे हो, इसे मैंने किया इंस्टॉल, इंस्टॉल हो गया जी, इंस्टॉल्ड आ रहा है। अब करूंगा मैं इसको एक्टिवेट, इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब ऊपर देखो क्या आ रहा है, दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये थीम, ये प्लगइन क्या करती है, रेकमेंड करती है। इस प्लगइन में एक प्लगइन क्या है, एलिमेंटर, ठीक है जी। एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर। क्या है एलिमेंटर, एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर। इसकी हेल्प से आप कुछ भी वेबसाइट बना सकते हो, कैसी भी डिजाइन बना सकते हो, कोई कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसी वेबसाइट चाहते हो वैसी डिजाइन कर सकते हो। और एलिमेंटर के अगेन दो वर्जन है, एक है फ्री और एक है पेड, बट हम कौन सा यूज करेंगे, यस यू आर राइट, हम यूज करेंगे फ्री वर्जन। फ्री वर्जन सफिशियंट है एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। तो मैं वापस आया, और यहां पे देखो दो ऑप्शन है, पहला है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, और दूसरा है डिसमिस दिस नोटिस। तो मैं क्लिक करूंगा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, तो मैंने क्लिक किया, और ये मैं फिर क्या करूंगा, देखो ये तीनों प्लगइन्स आ रहे हैं। अब ये जो है, मैं इस बटन को क्लिक किया, मैंने प्लगइन के साथ में जो ये जो चेकबॉक्स है इसको क्लिक किया, और मैंने यहां क्लिक किया बल्क ऑप्शंस को, और मैंने किया इसे इंस्टॉल, और इसे मैंने किया अप्लाई। बहुत ही ज्यादा इजी है वर्डप्रेस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप इजीली इजीली बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये दिखा रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। अब मैं जाता हूं यहां पे, अभी देखो हो रहा है, हो गया। तो अब मैं यहां जाता हूं, और यहां से मैं करता हूं विजिट साइट, अब आप देख सकते हो मेरी साइट थोड़ी सी अलग लग रही है, पहले जैसी मेरी साइट लग रही थी अब मेरी साइट उससे अलग लग रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब जो मैं अपनी साइट का नाम है और जो ये मेरी साइट का डिस्क्रिप्शन है इसको मैं चेंज कर देता हूं, जो मेरी साइट का नाम था और जो मेरी साइट का डिस्क्रिप्शन था उसको मैं चेंज कर देता हूं। तो वो मैं कहां से चेंज करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा कस्टमाइज, ठीक है जी। उसके लिए मैं गया कस्टमाइज, और ये कुछ एलिमेंटर का आ गया, तो इसे आप कर दो यहां से स्किप सेटअप, ये वापस चला गया। तो यहां से वापस जाओ विजिट साइट पे, ओपन इन न्यू टैब करो, और कस्टमाइज पे जाओ फिर से,
अब यहां आओ साइट आइडेंटिटी में, देखो पहला ऑप्शन आ रहा है साइट आइडेंटिटी, आपको आना है साइट आइडेंटिटी में। साइट का टाइटल क्या आ रहा है, माई ब्लॉग, तो इसको मैं कर देता हूं डब्ल्यू पी कोर्स बाय दीपक, राइट। और टैगलाइन क्या है, लर्न हाउ टू बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्विकली एंड इजीली, ठीक है। ये मैंने डाल दिया अपना टैगलाइन, साइट का टाइटल डाल दिया मैंने और साइट का मैंने टैगलाइन डाल दिया, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश, ठीक है। और देन मैं वापस जाता हूं यहां से और इसको मैं करता हूं यहां से क्लोज। अब देखो चेंज हो गया, यहां पे आ गया मेरा वेबसाइट का नाम और यहां पे आ गया उसका डिस्क्रिप्शन। अभी इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो आपको इसमें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारे चेंजेस हम करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जस्ट थीम इंस्टॉल की है और हमने जाके वहां पे अपना नाम चेंज किया है और कुछ नहीं किया हमने। देखो पहले मेरी साइट कुछ ऐसी नजर आ रही थी, ठीक है। अब इसे मैं यहां से अगर रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे साइट मेरी ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपको आना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, और देन आपको आना है परमा लिंक्स के अंदर, सेटिंग्स और देन आपको आना है परमा लिंक्स के अंदर। और यहां पे आप परमा लिंक्स क्या होते हैं, परमा लिंक्स जो आपका ये यूआरएल दिख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहां पे आए और सपोज मैंने ये किया क्लिक, पहला लिंक मैंने क्लिक किया अगर 100 days फेसबुक एड्स कोर्स, तो आप ये जो ऊपर लिंक देख रहे हो, ये जो लिंक देख रहे हो इसको हम कहते हैं परमा लिंक, ठीक है। इसको हम कहते हैं परमा लिंक, और मेक श्योर कि आप इसे लेके रख रहे हो पोस्ट नेम, ठीक है। आपको सेटिंग्स में आना है, परमा लिंक्स में आना है और पोस्ट नेम में रखना है, और इसको आपको करना है सेव चेंजेस, ठीक है। परमा लिंक हमने चेंज कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब वापस आ जाओ डैशबोर्ड और यहां पे आ जाओ होम पे, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब आपको एक बार मैं ये वॉक थ्रू करा देता हूं जो जो ये चीजें दिख रही हैं। तो आप देख रहे हो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, होम, तो ये जो आपका डैशबोर्ड का होम है। देन आपको दिख रहे हैं अपडेट्स, तो जो भी अपडेट्स होंगे वर्डप्रेस के प्लगइन्स के अपडेट्स वो यहां पे दिखाएगा, आप उन्हें अपडेट कर सकते हो। देन आपको दिखा रहा है पोस्ट, तो जो भी आपने वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट बनाए हैं वो सारे आपको पोस्ट यहां दिखेंगे, राइट। अब देखो आप दो चीजें देखोगे, एक है पोस्ट और एक है पेजेस, ठीक है। पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या होता है कि मान लो जैसे ब्लॉगिंग कोई वेबसाइट है, जैसे कोई न्यूज की वेबसाइट है, वो डेली नया नया कंटेंट लिखती है, या फिर आपके कंपनी की वेबसाइट है और एक पेज है अबाउट अस का, अबाउट अस का जो पेज है उसका कंटेंट आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, जबकि एक होगा आपका सपोज करो आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो डेली, उसके लिए आप ब्लॉगिंग करते हो, डेली आप कुछ ना कुछ लिखते हो, तो जो चीज ऐसी है जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती उसके लिए हम बनाते हैं पेज, और जो चीज आप डेली अपडेट करते हो या डेली नई नई चीजें डालते हो उसको हम कहते हैं पोस्ट, राइट। जैसे अगर आप जाओगे ना क्रिकबज.कॉम पे, तो क्रिकबज.कॉम पे अबाउट अस पेज जो है, अबाउट अस जो है वो है पेज। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, सपोज मैं गया क्रिकबज पे, अब क्रिकबज पे जो ये पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी ये पेज है, टर्म्स ऑफ यूज ये पेज है, राइट, ये पेज है, ये डेली चेंज नहीं करते हो, जबकि ये जो आप देख रहे हो एंड्रयू मैकडोनल्ड क्वींसलैंड, ये पोस्ट हैं, वो हमेशा नई नई चीजें डालते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट, और ये है हमारे पेज। तो जो चीज फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती दैट्स अ पेज, और जो आप डेली अपडेट करते हो दैट्स अ पोस्ट। देन आ रहा है आपका मीडिया, तो जो आप नई नई डेली जो आप इमेजेस डालोगे, जो वीडियोस डालोगे, जो फोटोज डालोगे, वो सारी चीजें कहाँ दिखेंगी आपको, मीडिया में। देन यू हैव कमेंट्स, तो जो भी लोग आपके वर्डप्रेस पे कमेंट कर रहे हैं वो सारे कमेंट्स आपको यहां नजर आएंगे। देन ये है डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ये एक प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल किया था, इससे क्या करेंगे हम, इससे हम फॉर्म्स बना सकते हैं। देन वी हैव टेम्पलेट,
अब क्या है, हम मल्टीपल ना टेम, आप आगे जाके लेसन्स में देखोगे हम काफी छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं और उसे एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. देन वी हैव अपीयरेंस. अपीयरेंस याद है आपको, हमने थीम यहीं से इंस्टॉल की थी. इसके अलावा आप यहां से चीजें कस्टमाइज कर सकते हो, हेडर, एडिटर, ये सारे ऑप्शन आपके अपीयरेंस के अंदर आते हैं. देन प्लगइन, जैसे आपको एंड्रॉइड में क्या होता है, आपको कोई गेम खेलनी है और वो आपके एंड्रॉइड में है नहीं, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो प्ले स्टोर पे और उसे डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड करके वो गेम खेल लेते हो. सिमिलरली वी हैव प्लगइन्स इन वर्डप्रेस. सपोज करो आप वर्डप्रेस में कोई काम करना चाहते हो, सपोज करो आप एक स्पेशल चीज करना चाहते हो बट वो फीचर वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या, आप वो चीज डाउनलोड कर लोगे. उसके लिए वर्डप्रेस में क्या अवेलेबल होते हैं, प्लगइन. तो मैं वो प्लगइन डाउनलोड करूंगा और उसे यूज कर लूंगा. यूजर्स, अगर आपने मल्टीपल लोगों को ऐड किया हुआ है तो वो डेटा आप यहां देख सकते हो. टूल्स, आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहां पे देख सकते हो. एंड देन यू हैव सेटिंग्स. अभी जहां से हमने परमालिंक चेंज किया था तो वहीं हमारे पास और सेटिंग्स हैं जो आप चीजें यहां से चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है वर्डप्रेस. आप जैसे आप देख सकते हो, आज हमने किया क्या है, आज हमने जस्ट इंस्टॉल की है डब्ल्यू पी ओशियन थीम, ओशियन डब्ल्यू पी थीम, और देन हमने परमालिंक चेंज किया, देन हमने समझा ये जो सेटिंग्स है हमारी, और देन अब हम जो कल का लेसन है उसके अंदर अब हम पेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का ये लेसन बिल्कुल क्लियर है. और अगर आपने अभी तक डोमेन होस्टिंग नहीं ली तो मेक श्योर कि आप डोमेन होस्टिंग ले लो, क्योंकि अगर डोमेन होस्टिंग नहीं होगी तो आप वेबसाइट बना नहीं पाओगे. ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़.